हेलो भाइयों, नितिन सारस्वत की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सामने आप सभी के खड़ा है भाई होंडा सिटी का ZX और VX मॉडल। तो अभी भाई इन गाड़ियों का भाई मैं आपको वो दिखाऊंगा दोनों में फर्क कितना है भाई। अच्छा खासा मोटा फर्क है भाई। एक तो ये है VX और वो है भाई ZX। अभी ये बता देता हूँ, कुछ भाइयों को नहीं पता होगा, ZX जो है भाई इस सिटी का टॉप मॉडल है, सिटी का बिल्कुल एंड लाइन मॉडल है, और VX जो है वो मिडिल मॉडल है, ठीक है। बाकी एक चीज बताऊं, जो ZX मॉडल है ना उसका उसमें जो फर्क है उसे देख के भाई आप बोलोगे कि हाँ वैल्यू फॉर मनी या फिर VFM मॉडल जो है वो ZX ही है, VX नहीं है। क्योंकि भाई कुछ थोड़ा मोटा फर्क है भाई, लाख डेढ़ लाख का, उस फर्क में भाई आपको इतने सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो व्हाई वी चूज द बेस मॉडल, ठीक है। करते हैं भाई स्टार्ट इधर से। तो भाई ZX से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोनों के इंजन स्पेसिफिकेशन होता है, 1497 सीसी का इंजन आता है, ठीक है। बाकी 140 BHP प्रोड्यूस करता है ये इंजन। 45 mm की यानी कि 145 Nm की टॉर्क मिल जाएगी भाई आपको इस इंजन में। उसी के साथ में भाई फ्रंट व्हील ड्राइव मिलेगा, 6 गियर्स मिलेंगे दोनों में भाई, पेट्रोल में, पेट्रोल की बता रहा हूँ अभी भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी VX पे चलते हैं। तो भाई सबसे पहले स्टार्टिंग से सामने से ही मैं मोटा फर्क दिखा देता हूँ। जो इसकी हेडलाइट्स है ना भाई, ये भाई बिल्कुल तगड़ी सी आपको ये हेक्सा टाइप में स्मॉल स्मॉल DRLs प्लस में भाई जो इसका थ्रो है LED में है, बहुत तगड़ा थ्रो भाई। आप भूल जाओगे उस लाइट को, प्रोजेक्टर वाली को, जो इसका थ्रो है। बाकी सामने से भाई बड़ी प्रीमियम गाड़ी लगती है इसी के साथ में। अभी थोड़ा सिल्वर कलर है, बाकी अगर व्हाइट होता ना तो मजा ही आ जाता इसको देखने में आप सभी को, ठीक है। आगे से मोटा फर्क ये हो गया। अभी उसका आगे का फ्रंट दिखाऊं तो उसका सामने जो फ्रंट है ना उसमें आपको प्रोजेक्टर मिल जाते हैं, जो ऐसी लाइट में बता रहा था जिनके बारे में, ठीक है। बाकी कोई ज्यादा मोटा फर्क है नहीं इसमें। साइड से चलते हैं तो साइड में भाई बहुत मोटा फर्क वहीं से आ जाता है, एलॉयज में भाई। बाकी टायर प्रोफाइल इसकी R16 है और इसकी जो है आपको R15 मिलेगी, यानी कि दोनों की टायर प्रोफाइल में 1 इंच का फर्क है। ये 1 इंच ज़्यादा है, ये 1 इंच कम है, और ये डायमंड कट में मिल जाएगा, ये आपको सिंपल में मिल जाएगा, पहला फर्क। दूसरा फर्क क्या है, क्रोम्स में डोर हैंडल्स मिल जाएंगे इसमें, इसमें भाई आपको वाइट में डोर हैंडल्स मिलेंगे। बाकी ORVM में चलते हैं तो भाई इसमें लेन असिस्ट के साथ में ये भाई कैमरा भी मिल जाएगा आपको, लेन फंक्शनिंग कैमरा है। इसके ORVM में आपको नहीं मिलेगा, बाकी ORVM सेम है दोनों के। ORVM में DRL उसमें इंडिकेटर उसमें भी आता है और इसमें भी आता है, ठीक है। और ज्यादा कोई मोटा फर्क नहीं है दोनों गाड़ियों में साइड में। बाकी ऊपर के फर्क बताऊं तो इसमें सनरूफ आ जाती है और इसमें भाई सिंपल रूफ है, ठीक है। भाई पीछे से चलते हैं तो इसमें जो आपको मोटा फर्क मिलेगा, एक तो इसमें भाई LED लाइट्स मिल जाएंगी, वो उसमें मिलती है, लेकिन इसमें थोड़े मंदे फर्क हैं जैसे कि ब्रेक लाइट्स में और उसमें इंडिकेटर में, ठीक है। बाकी कैमरा इसमें भी मिलेगा और उसमें भी मिलेगा, जैसे कि दिखा देता हूँ, और चारों पार्किंग सेंसर भी मिल जाएंगे। बाकी ज़्यादा मोटा कोई फर्क है नहीं। बाकी डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैंप उसमें भी और इसमें भी दोनों में भाई आपको मिल जाएगा। फ्यूल लिड की प्लेसमेंट है भाई गाड़ियों की, ठीक है। शार्क फिन एंटीना दोनों में मिल जाएगा। तो ये भाई कुछ भारी फर्क। अभी इंटरनल इंटीरियर से दिखाऊं, सबसे पहले जल्दी जल्दी इसका कवर करते हैं फिर उसका कवर करेंगे। सबसे पहला फर्क, ये सारी चीज़ें भाई नॉर्मल है, रिव्यू में देख लेना, ठीक है। ये है भाई मोटा फर्क, स्टार्ट करूं, ये है भाई ये। अभी इससे क्या है भाई, आपको लेन का मिल जाएगा, जैसे मैंने इधर का दिया, जैसे मैंने इधर का इंडिकेटर दिया तो भाई स्क्रीन में इधर के वो इधर वाला फंक्शनिंग कैमरा चालू हो जाएगा। जैसे इधर देख लीजिए आप, ये हो नहीं रहा, हाँ देखो ये हो गया, देखो ORVM का ये शीशा इधर है। बाकी इधर का दूंगा तो इधर का दर्दाने लग जाएगा, और ये इस बटन से भी आ जाएगा, ये एक स्पेशल बटन है भाई। लेकिन जो ये कैमरा है ना वो खाली पैसेंजर साइड ही मिलेगा आपको, तो लेन वाला कैमरा बता रहा था मैं, लेन फंक्शनिंग कैमरा ये उस साइड मिलेगा। बाकी MID में भी अच्छे खासे फ़र्क हैं। ये भाई डिजिटल ही है, वो हाफ डिजिटल है, ये भाई फुल्ली डिजिटल है प्लस में, वो थोड़ा उसमें अभी आपको अंदर से दिखाऊंगा। बाकी ये जो इंफोटेनमेंट चीज़ें हैं, और बाकी उसमें भाई ट्विटर्स नहीं आते, इसमें ट्विटर्स आते हैं, और भाई ऐसा कुछ इसका इंटीरियर है जो कि उसमें भी सेम है। बाकी एक मोटा फ़र्क बताता हूँ, एक तो सनरूफ का जो कि लीजेंडरी चीज़ है, दूसरा मोटा फ़र्क है भाई इसका, ये भाई ऑटो IRVM आपका, ठीक है, वो उसमें नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ से अपनी सनरूफ खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, ये वन टच में भाई, इसमें LED मिल जाएगी, उसमें नहीं मिलती है। ये कुछ फ़र्क है, बाकी 6 स्पीड उसमें भी मिलता है और 6 स्पीड इसमें भी मिलता है। अभी कई बंदों को डाउट होगा कि ये कैसे लगता है, इसको ऐसे एकदम काट दें स्कॉर्पियो से झटके में देते हैं, ऐसे इसमें भी रिवर्स लग जाता है, ठीक है, ऐसे प्लेजरेबल साउंड मिल जाएगी। बाकी चलते हैं उसमें, बाकी इसके इंटीरियर में, हाँ, और पीछे से भी कई बंदे बोले हैं पीछे से भी भाई बिल्कुल सेम है, ऐसी AC वेंट्स भी उसमें भी मिल जाते हैं। बाकी इसमें क्या फ़र्क है, इसमें भाई आपको ये एनालॉग ही टाइप को देखने को मिलेगा, जो
जो आपका स्पीड मीटर है, ठीक है, ये डिजिटली नहीं आता, बाकी जो लेन का लेन असिस्ट कैमरा था वो इसमें नहीं आता है। और मोटा फर्क भाई, इसमें सनरूफ नहीं आती है, ऑटो आयर वेम नहीं आता, और इधर से जो LED वाला सेटअप जो पूरा दिखाया था वो नहीं मिलता भाई इसमें। बाकी स्क्रीन, ऑटो वाला क्लाइमेट कंट्रोल, 6 गियर और ये सब, बाकी सब पूरा उसी की तरह सेम है। 20 कलर का इंटीरियर मिल जाएगा भाई, और इसका स्टीयरिंग जो है लेदराइज नहीं है, कंपनी फिटेड, उसमें कंपनी फिटेड ही लेदराइज, ठीक है। बाकी इन स्टार्ट स्टॉप का बटन भी उसमें भी था। तो भाई फ्यूल लिड और हुड ओपनर भी यहाँ पे। तो ये थी भाई आज की कुछ वीडियो VX और ZX मॉडल का फ़र्क। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को लाइक और कमेंट चैनल पे सब कुछ करके जाना भाई। दोनों की बूट में बात करें तो भाई बूट भी सेम सी है जो कि मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, बूट स्पेस मैं लिख दूंगा कितना है इसमें। बाकी बूट खोल के दिखा देता हूँ एक बार आप लवी सभी को कि डिक्की कैसी। बाकी बूट ओपनर जो है यहाँ से मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये है भाई इसकी कुछ बूट, रिक्वेस्ट सेंसर भाई इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, बूट ओपनर करने के कैमरा यहाँ मिल जाएगा, और बाकी LEDs इसमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो बूट आप सभी देख सकते हैं जैसा कि काफ़ी शानदार है, बूट स्पेस तो बड़ा ही होगा क्योंकि भाई ये सेडान गाड़ी है, तो और देख सकते हैं कितना प्रीमियम लुक है भाई इसका। जो नई गाड़ी की जो फील होती है और खुशबू होती है ना यार, अलग ही होती है, सही बता रहा हूँ। ऐसे बंद कर सकते हैं, बाकी ये की से भी खुल जाती है, की में भी एक बटन दिया हुआ है जिससे कि ये बूट खुल जाती है, बाकी उसकी भी सेम बूट है। अभी भी एक मंदा मोटा फर्क भी बताया था मैंने आप सभी को कि इसमें सनरूफ नहीं है, देख सकते हैं जो कि सनरूफ ऐसी कुछ लगती है ऊपर से। तो ये थी भाई हमारी होंडा सिटी ZX वर्सेस VX का मोटा फर्क। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर भी कर देना सभी का। आप सभी का धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। तो बाय बाय।